आज को यह कार्यक्रम को सुरुआत करना चाहूँ। मेरे नाम अस्मिता भंडारी हो, म विश्व हिंदू महासंघ अंतरराष्ट्रीय समिति में सदस्य छु। आज हमी एटा यो गरिमा में कार्यक्रम सानो रूप में भैया संपन्न कर अनुभूति भैर। आज हमीसंग विश्व हिंदू महासंघ का विशिष्ट पाहुना, विश्व हिंदू महासंघ का उपाध्यक्ष, भारत इकाई का प्रमुख श्री योगी स्वामी आदित्यनाथ जी महाराज यहाँ उपस्थित हो। कृपया वहाँ संग्रहण का लगी हार्दिक निवेदन कर। कार्यक्रमलाई औपचारिकता प्रदान गर्नको लागि विश्व हिंदू महासंघ का अध्यक्ष ज्यूलाई अध्यक्षता ग्रहण गर्दिन हुनका लागि अनुरोध। विशिष्ट विशेष अतिथि को आसन ग्रहण का लागि हाम्रो विश्व हिंदू महासंघ का मार्गदर्शक जनरल भरत केशर सिंह ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मान्यजनहरूलाई यथास्थान में आसन ग्रहण का लागि पनि हार्दिक अनुरोध। आज विश्व हिंदू महासंघ को यो गरिमामय कार्यक्रम में पालन भएका पत्रकार साथी वहाँ हाम्रो कार्यक्रम धेरै लामो धेरै औपचारिक र आज को यह कार्यक्रम में अध्यक्ष ज्यू को तर्फबाट विश्व हिंदू महासंघ परिवार को तर्फबाट स्वागत कर दिन का लगी हमारा विशिष्ट पाहुना स्वागत कर दिन का लगी आदरणीय विश्व हिंदू महासंघ का अध्यक्ष आदरणीय यहाँ नेपाल भन्नुभएको आएर उहाँले चाहिँ कसरी भारतीय सरकारमा चाहिँ गोल काम गर्छु जुन भनेको छ त्यस्तो चाहिँ गर्छु र हाम्रो चाहिँ स्वामीजीलाई चाहिँ विशेष हाम्रो योगीजीलाई विशेष स्वागत गर्छु र भन्दा जुन उपस्थित दाजुभाइ हुन्छ त्यो छोटो समय पनि आइदिनु भयो त्यसको लागि आर्थिक कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहूँ। एक मैं आसन ग्रहण को क्रम में क्षमा पाँचु योगी पालन भैया आदरणीय मार्केय यादवजी में आसन ग्रहण का लगी निवेदन करसंग नेपाल राज्य समिति का अध्यक्ष नीति साहब
के अंदर कार्य करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। सम्मानीय जनरल भरत केशव सिंह जी के नेतृत्व में और पिछले कुछ समय से कर्नल एम अब्दुल कारकी जी के नेतृत्व में हम लोग भारत के अंदर हिंदुत्वों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सतत प्रयत्नशील होकर के कार्य कर रहे हैं। को ध्यान में रखकर कार्य करने वाला व्यक्ति ही सफलता की मंजिल में मंजिल को प्राप्त करता है। भारत के अंदर एक कविता है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड जेता कौन हुआ, अपनी तो यह सिद्धेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। आप सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, आप सब इस बात को जानते हैं। मैं जब विश्व हिंदू महासंघ के मुख्यालय में यहां आया, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम मान करके उनकी पूजा करते हैं, सुख में दुख में अपने संकट के समय या खुशी के समय उन्हें स्मरण करके उन्हें याद करते हैं, उन्हें प्रणाम निवेदित करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा को जब भी समय मिलता है हम लोग व्यक्त करने में चूकते नहीं। राम जैसा संघर्षशील व्यक्तित्व विश्व हिंदू महासंघ के प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक पदाधिकारी का होना यह अत्यंत आवश्यक और इससे अत्यंत प्रतिभाशाली नेतृत्व आप सबके सामने। हम लोगों ने जनरल साहब के नेतृत्व में काम किया है और बहुत अच्छा उनकी दूरदर्शिता, उनकी क्षमता, उनकी कार्यप्रणाली, सनातन धर्म के प्रति जो उनकी कूट निष्ठा है, धर्म के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, उसको देख करके मुझे लगता है कि हम लोग इस बारे में अत्यंत गौरवान्वित होते हैं, अत्यंत हम लोगों को प्रसन्नता होती है। होता है कि व्यक्ति जब एक स्टेज पर पहुंचता तो वह उसके बाद धर्म से उसका संबंध वैसे ही समाप्त होता हुआ जाता है। व्यक्ति जब एक स्थिति में पहुंचता है तो व्यक्ति अपना संबंध धर्म से अपनी परंपरा और संस्कृति में तोड़ देना चाहता है, लेकिन एक सेना के प्रतिष्ठित पद पर जाने के बाद भी, तमाम देशों में नेपाल का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी, विश्व हिंदू महासंघ जैसे हिंदू संगठन को नेतृत्व प्रदान करने की दृष्टि से आपने जो प्रयास किया, निरंतर आज भी इस उम्र में भी जिस प्रकार से हर अवसर पर हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का प्रयास करते हैं, यह अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि विश्व हिंदू महासंघ के एक एक पदाधिकारी और एक एक कार्यकर्ता के लिए अनुकरणीय भी होना चाहिए कि हमें उनके आदर्शों को, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतार करके उसके अनुरूप संघर्षशील और उसके अनुरूप कार्यक्रम चलाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और उसी दिन ही केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना करके मृत्यु के भय से उन्हें मुक्त किया गया था। विधाता ने जिस दिन लिख दिया कि इस दिन मौत होनी है उस दिन होगी, एक भी क्षण इधर उधर से टाला नहीं जा सकता है, तो फिर अच्छे कार्य को करते हुए हम क्यों हिचक रहे हैं। कार्यक्रम हो जाए जैसे नवरात्रि का कार्यक्रम गोपालपुर में गोरखनाथ मंदिर पर मान करके चलिए कि बड़ा कार्यक्रम पूरे जिले को लेकर के हम लोग चले के आसपास के कई जिलों को मिलाकर के कार्यक्रम कराएंगे। भारत और उहाँ त्यो बेलामा मेरो विचारले पैँतिस वर्षको उहाँ लोकसभाको सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो र अनि अब पहिला भेट्दाखेरि त है केटाकेटी मान्छे जस्तो लागेको छ मलाई, तर केटाकेटी भएर के कृष्णजीको ज्ञान चाहिँ केटाकेटीदेखि नै प्रफुल्ल ज्ञान थियो है, त्यस्तो ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ र म चाहिँ उहाँ
यहाँ आउनुहुने भारतीय सरकारले हामीले अभिनन्दन गर्नु रजत जयन्तीमा यी एक प्राङ्गणमा स्वागत गर्दै उहाँ आउनु भएको थियो र प्लस हाम्रो नेटवर्किङ कमिटीको मिटिङमा मलेसियामा जानुभएको थियो प्लस अब उसमा र त्यो म अध्यक्ष भएको बेलामा त अब योगीजी जिने जो कहा हो सब ठिक भनेर त गोरखपुरै बन्द थियो र चाहिँ करिब 2,00,000 मान्छेको भिडमा चाहिँ मलाई थाहा म चिन्तु ठुलो छ कि यो हिन्दू राष्ट्र कसरी काम गर्ने त्यसै उहाँबाट पनि हामी केही सुन्नु होला उहाँ एउटा विशेष कामले उहाँको अवसरमा सरकार सहयोग हुनुपर्छ अलिकति मूल काम देखिन्छ र साथै हाम्रा दाजुभाइहरूलाई साथीभाइहरूलाई भेटघाट गर्न हाम्रो प्रधान कार्यालय यहाँका चाहिँ हाम्रो स्वामीजीहरूलाई र अरू चाहिँ गर्ने मान्य व्यक्तिहरूलाई भेट्ने त्यस सिलसिलामा गर्नुभएको छ अब त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ गर्ने कुरा नगरिकन अब हामी चाहिँ हाम्रो साथीद्वारा अहिलेको परिस्थितिको हिन्दूहरूमा चाहिँ अब उहाँको कार्यक्रम विषयमा चाहिँ उहाँबाट नै जानकारी छौँ र उहाँसँग आउनुभएको हाम्रो भारत विरुद्ध उहाँलाई पनि स्वागत कति सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीका बन्धुहरू आज सौभाग्य छ हाम्रो कि हाम्रो विश्वन्द्र महासङ्घको प्रधान कार्यालय हाम्रो भारत प्रमुख अतिथिजी प्रसाद आउनुहुने अतिथिगण यस समारोहमा भाग लिन पाउनुहुने सम्पूर्ण हिन्दुत्वको पक्षधर महिला तथा सदनले आज हामीले अत्यन्त ठुलो अवसर पायौँ हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत त्यसको पनि नेपालसँग निकटतम गोरखपुरका पीठाधीश र उहाँ फेरि एउटा साधु योगी मात्र होइन उहाँ एउटा विशिष्ट राजनीतिक व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिको उपस्थितिमा आज हामीले हिन्दू राष्ट्र हिन्दू सम्राटको बारेमा यो जति व्याख्या र वर्णन सुनेको त्यो त्यसैमा पनि ऐतिहासिक र गरिमामय शब्दहरू हामीले सुन्न पायौँ किनकि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत हरेक कुराको निकटतम छ हाम्रा धार्मिक विशिष्ट मन्दिरहरू भारतमा छन् र भारत एउटा विशाल मुलुक छ नेपालको लागि त एउटा साँच्चीकै संरक्षक भारत हो त्यस कारणले त्यो मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी आज हाम्रो बिचमा पाल्नुहुने विशिष्ट अतिथिले जुन ढङ्गको दिन गरे हामीप्रति चाहिँ एउटा सद्भाव सहानुभूति र यो सहयोगी भावनाको जुन वचन दिनुभएको छ त्यसप्रति म उहाँप्रति अत्यन्त आभार व्यक्त गर्दछु र मान्यतामा निर्भर छ हामी जे मुखले बोल्छौँ त्योभन्दा बढ्ता कामले गऱ्यौँ भने हाम्रा सबै आवश्यकता परिपूर्ति हुन्छ तर यहाँ आउने सहभागी भइदिने सुनिदिने फर्किएर गएदेखि आफ्नै ढङ्ग र ढाँचामा रहिदिउँ भने हाम्रो त्यो विशाल कार्यक्रम पूर्ण रूपले सफल हुन सक्दै हाम्रो सहको बनाइराख्न सक्ता है नेपालको हिन्दू राष्ट्र बनाकर के नेपालको अस्तित्वको बनाइराख्न सक्ता है और इन दोनों ही आधार पर नेपाल में लोकतन्त्र भी सुरक्षित रहेगा साथ साथ यहाँ की धार्मिक और प्राचीन परम्पराएं हाँ सर।